अच्छा वैसे भी एक कन्फ्यूजन है वो दूर कर दें। पिछले दिनों एक भाई ने सवाल किया था कि जैसे आपने इमाम का बताया ना उसके पीछे नमाज़ पढ़ने का, तो अब एक बिलीवर है उसकी जो मोहल्ले की मस्जिद है, तो ये भी पॉसिबल है कि कहीं तक मतलब किसी इमाम तक या किसी इलाके तक कासिम भाई का पैगाम ना पहुँचाओ? तो अगर तो इन केस अगर उनको नहीं पता तो वो जो बिलीवर है वो इस बात से मतलब कि उनसे बात नहीं कर रहा कि ये इन्होंने अगर इनकार कर दिया तो मेरे लिए कहीं और जाके नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, तो क्या उसका ये अमल ठीक है? उनसे बात नहीं कर रहा वो, बात करे या ना करे अब वो नमाज उदा नहीं पढ़ सकता। उन्होंने इनकार ना भी किया इकरार तो नहीं ना किया। लकद हक्कल कौल अला अक्सरहिम फहुम ला युमिनून, अल्लाह कह रहे हैं अक्सर के ऊपर हुज्जत तमाम हो चुकी है, अक्सर के ऊपर उन्हें पता नहीं है। मैं बता रहा था अभी पिछले अभी की नहीं बात, कम अज़ कम काफ़ी माह पहले की बात है, मरी गया मैं पतरेटा चेयर लिफ्ट से बाहर निकल रहा था तो एक आगे से बंदा आया, तो लुक्स में तो वो मुझे पाकिस्तानी लग रहा था लेकिन जब वो बोला तो उसने कहा ब्रदर आई हैव सीन योर वीडियोस, तो वो उसका जो एक्सेंट था ना वो ना इंग्लिश था ना वो लोकल था, तो वो अरेबिक एक्सेंट था, वो गले में थोड़ी हा हा करते ना, तो वो फिर मैंने उससे पूछा तो पता नहीं उसने कहाँ का कहा, मोरक्को का कहा या किधर का कहा मुझे याद नहीं है, वो कोई टूरिस्ट आया हुआ था तो उसने वीडियोस देखी हुई थी, तो फिर मैं पूछना चाह रहा था कि उसने कौन सी वीडियोस देखी है, तो फिर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो मोहम्मद कासिम गाय, आई हैव सीन योर वीडियोस अबाउट मोहम्मद कासिम गाय। तो लकद हक्कल कौल वाला अक्सर हम कहाँ, अरब भी बोलने वाले अंग्रेज़ी बोलने वाले कहाँ कहाँ बात पहुँच चुकी है, तो आपका क्या ख्याल है? अगर मौलवी तक बात नहीं पहुँची ना तो फिर तो और भी ज़्यादा मुजरिम है वो, वो क्या देखता रहता है? फेसबुक तो वो भी यूज़ करता होगा, टिकटॉक वो भी यूज़ करता है, वो क्या देखता है कि जो उसके ऊपर इतने यानी करोड़ों व्यूज सिर्फ सिर्फ हमारी इधर के इस्लामाबाद की टीम के आ रहे हैं, करोड़ों पर मंथ, करोड़ों सिर्फ इस यहाँ की टीम के सारे प्लेटफॉर्म मिला लें करोड़ों, किधर जा रहे हैं भाई? ज़्यादातर तो उर्दू में ही होते हैं, 22 करोड़ तो वहाँ में एक ही बंदे को कई कई दफ़ा बात पहुँच चुकी है। अगर उस तक नहीं किया तो फिर तो वो और ज़्यादा मुजरिम है, वो क्या देखता है? फिर पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन चले फिर भी आप उसके ऊपर वो कर लें एक दफ़ा उसे कह दें अगर आप वो करना चाहते हैं, लेकिन वो अगर उसने इकरार नहीं किया, इनकार ना भी किया, इकरार तो नहीं ना किया, तो नमाज उसके पीछे नहीं होगी। अब क्योंकि अब वो वक्त आ गया कि मोहलत ख़त्म हो चुकी है। ये यार वो आज ही है किसी का साथी का पूरा ड्रीम डिटेल में है, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ, ये बाद में उसको पब्लिश भी करेंगे, बल्कि ये वाली समरी भी उसके शुरू में लगा देना कि वो देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कलाम फरमा रहे हैं, वो ख्वाब में देख रहे हैं, तो रसूलुल्लाह अल्लाह ताला से कहते हैं कि थोड़ी सी मोहलत और दे दे, तो अल्लाह ताला आगे से कहता है कि मोहलत और नहीं मिल सकती, मोहलत ख़त्म हो गई है। मैं समरी बता रहा हूँ, एक्चुअल ड्रीम्स वर्ड्स आप सुन लेंगे इससे आगे। तो फिर वो इस तरह कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, फिर रसूलुल्लाह उस शख्स के पास आते हैं तो वो पूछता है कि या रसूलल्लाह क्या बात हुई है? तो रसूलल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने और मोहलत नहीं दी। फिर रसूलल्लाह आवाज़ बुलंद करते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो हाँ फिर वो रसूलल्लाह ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने कर दिया कि जंग का ऐलान कर दो इनके ख़िलाफ़। तो ये जो मैं आज अक्सर मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा होता हूँ वो मेरे अल्फाज नहीं होते अक्सर, या कुरान के होते हैं या फिर वो जो अल्लाह ताला ने मुंह में अल्फाज डाले होते हैं वही होते हैं, तो अक्सर अल्लाह ताला कमी बेशी उसमें माफ़ फरमाए। तो ये अभी भी मैंने ये अल्फाज कोट किए विदाउट कोटिंग की ड्रीम, तो वो अल्फाज थे। तो फिर रसूलुल्लाह कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इस तरह से कुछ अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, और फिर वो जिस साथी ने ख्वाब देखा है वो भी आगे से कहता है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो अब ये वो सिचुएशन है कि मोहलत तो ख़त्म हो चुकी है, तो अब अगर कोई कह रहा है कि मुझ तक नहीं पहुंची थी या कुछ, तो वो पहुंचनी चाहिए थी, फिर भी आप पहुंचा दें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, इवन जो आप रिश्तेदारों के घर वालों की बात करें उन तक किसी ना किसी तरह पहुंची है, लेकिन आपके ऊपर फिर भी ज़िम्मेदारी है, कुल्लू कुम राइन व कुल्लू कुम मसूल इना ने रैया, तो मैं से हर एक ज़िम्मेदार है और उससे पूछा जाएगा उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में। तो जो आपकी रईयत में आपका ये चचा का बेटा, कज़न, भाई, अम्मी, अबू, इन सब को तक बात पहुंचाना लाजिम है। अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंची, मस्जिद के इमाम तक भी पहुंचाएं।